उसको किधर आप किधर आप बाहर निकालो कौन है कौन किधर छिपा के रखा उसे उस चोटे को जल्दी आप कसम मेरे पापा की मैं कुछ नहीं जानती नहीं बताएगी तू कहाँ छिपा के रखा उस चोटे को बोल किसकी बात कर रहे हैं आप भाई साहब वही जो गाजीपुर से भागकर यहाँ पर आया है आप लोगों कुछ धोखा हुआ है और आप लोग किसी के घर में आके ऐसे तोड़फोड़ नहीं कर सकते ए ज्यादा भाषणबाजी मत कर तो सबसे ना पहले ना तेरी हड्डी तोड़ेंगे हम लोग बता नहीं तो तेरे हाथ पर तोड़ देंगे बोल बोल महाराज जी किसने चिल्पो मचा रखा है घर में कौन हो तुम क्या चाहिए हम लोग एक चोर की तलाश कर रहे हैं माता जी बाहर निकालिए उसे ये वही लोग होंगे जिनसे बहुत जिन्हें उधार लिया है निकल ए, निकल कहा बैठा ए, वो कौन हाँ कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे घर पे आके ये तोड़फोड़ करने की तुम लोग बताओ तुम लोग हो कौन ए, बुढ़िया डाला बड़बड़ मत कर बाहर निकाल उस धोखेबाज को कहाँ छुपा के रखा है धोखेबाज कौन धोखेबाज भैया भाई चोर ओमकार जो हमारे सेठ के लाखों रुपए लेके आया है हम उसे छोड़ेंगे नहीं चुपचाप बता दो कहां है वो बोलो ए चलो रे समय बर्बाद नहीं करते हैं चल के ढूंढते हैं जाएगा कहाँ यहीं कहीं छुप के बैठा होगा वो भैया समझ लो कोई नहीं इधर अरे भाई आ जाओ अरे कोई है नहीं तुम लोग अरे कौन है तुम लोग क्या ये सब क्या हो रहा है नंदोई जी देखिए ना ये गुंडे कब से हमें परेशान कर रहे हैं अभी बताता हूँ स्पीकर साहब मैं निरंजन चतुर्वेदी बोल रहा हूँ कुछ लोग मेरे घर में जबरदस्ती घुस के अच्छा तो तुम वकील बाबू हो इसीलिए पुलिस की थौंस दे रहे हो हाँ बिना इजाजत के मेरे घर में आकर ये जो हंगामा मचाने का गुनाह किया ना तुम लोगों ने उसकी सजा मिलनी चाहिए तुम लोगों को ए वकील बाबू हम लोगों पर नहीं चलने वाली तुम्हारी वकीलगिरी चलो रे शराफत से पूछ रहा हूँ मुझे बताओ कौन हो तुम लोग और क्या चाहते हो किस लिए आए हो क्या बिगाड़ा हमने तुम्हारा बहू बेटियों के घर में घुस कर ऐसे सामान फेंकना धमकी देना क्या मतलब है सबका इतनी भी समझ नहीं है तुम्हें ये शरीफ लोगों का घर है और यहाँ बस शरीफ लोग माना कि तुम लोग शरीफ हो मगर उस चोर ओमकार को हमारे हवाले कर दो हम शराफत से चले जाएंगे जहाँ तक मुझे याद है हम सब घर साथ में आए थे और आप ऊपर वाले कमरे में गए थे ना हो गया ना आंखों को धोखा अरे भाई आए तो हम साथ में थे लेकिन तुरंत ही चले गए ना तुम लोगों के लिए रसगुल्ले लेने के लिए उन्हें देखा नहीं पर हम सब तो यही थे आपको बाहर जाते देखा नहीं अरे दूसरे दरवाजे से गए थे नहीं छत से कूद के भागे थे अम्मा जी के दामाद जी जब वो बदमाश लोग आए थे हम अम्मा जी के कमरे में चले गए थे वहीं खिड़की से देखा कूद के भाग रहे थे ये और धड़ाम से नीचे भी गिर गए थे देखो इनके कपड़े में मिट्टी भी लगी है देखो क्या बकवास कर रही है लड़की और हमें जरूरत क्या है छत से कूद कर भाग कर जाने की बकवास नहीं कर रहे हैं सच कह रहे हैं हमने देखा था छत से कूद के भागे थे तुम चुप एकदम चुप मुंह बंद रख
हद होती है हर बात की। सब देखो बड़ों के बीच उठ पटांग बातें करती रहती है, अब तू घर के दामाद को झूठा साबित करेगी। सुना तूने नहीं? सुना तूने? एक तो पहले से इतने परेशान है, अरे ईमानदार आदमी को कुछ गुंडे लोग आके बदनाम करके चले गए, और ऊपर से ये लड़की। नीरू तू ही समझा इसे। अम्मा जी अब शांत हो जाइए, इस उम्र में इतना गुस्सा अच्छी बात नहीं है आपकी सेहत के लिए। घर जाना है,